ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है। फर्स्ट सेकंड ईयर वाले देख सकते हैं, बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप पूरा वीडियो को देखना और बाकी दोस्तों को तो शेयर करना वीडियो को। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप जो भी काम कर रहे हो आराम से सुनो जो बताऊँगा मैं। आप ये 1.2 लाख से लेके 3.6 का आपका मेनली पैकेज लगेगा, मैक्सिमम 2.4 के बीच में रह जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 15,000 में रह जाएंगे पर मंथ सैलरी। अगर आपको पढ़ना थोड़ा सा मन कर रहा है पढ़ने का, पहला। दूसरा, पैसे का घर में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये नौकरी करने मत जाओ। अब आपका आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, कुछ बच्चे मेरे को पूछें, सर मेरा जॉब अगर 4.5 लाख लग जाए तो तब भी क्या नौकरी करने नहीं जाएं? उस केस में मैं बोलूँगा थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि भाई क्या करूँ ऐसा, ताकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। घर में पैसा है तो क्या करें, आपका क्या प्लानिंग है उसके हिसाब से। बट अगर मोर देन 4.5 है तब हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं जॉब करने का, बट फिर उसमें बीटेक तो करना है आपने। आपको बिना बीटेक का आपको ग्रोथ, आपका काफ़ी अच्छा पैसे, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो आपके पास बीटेक तो करना है। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले क्या करना है, बीटेक कहाँ से करें इसका प्लान करना है, रेदर देन डूइंग जॉब फॉर 15,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़, अगर आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है और पढ़ने में थोड़ा मन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, 2 साल नौकरी कर लेता हूँ फिर जाऊँगा पढ़ने। मत करना ये मिस्टेक, ये 2 साल बहुत भारी पड़ेगा, जो आप बीटेक करने जाएंगे पता लगेगा क्या भारी पड़ेगा। बिकॉज 2 साल अगर आप लेट हो गए, मान लो आप 10th पास करते हैं, बहुत सारे 10th मैक्सिमम बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं, 10th पास कर रहे हो आप 16 साल की उम्र में, डिप्लोमा कर लेते हो 19 साल की उम्र में, 2 साल अपन नौकरी कर लिया 21 साल हो गया। अब बीटेक करने जाओगे 3 साल का बीटेक 24 साल हो जाएगा। 24 साल उम्र का बच्चा बहुत सारे सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो आप जाएंगे पता लगेगा भाई मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। और बहुत सारे जॉब्स में 26-27 साल तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो इसीलिए अभी बोलोगे सर अपने तो गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं, अभी क्या करना है आपने प्लान नहीं करा है, अभी आपको मार्केट है कुछ लगभग पता नहीं है, खुद से पूछिए आप पता है क्या। जब इस कंडीशन में हो तो आपको अपना पढ़ाई लिखाई पहले कंप्लीट करना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन, मतलब दैट इज़ बीटेक फॉर यू। ये आगे आपको बहुत फ़ायदा करता है, जैसे मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा देगा। तो आप बोलोगे सर इसका प्लान क्या करना है, बीटेक में डिप्लोमा का एडमिशन लेंगे, यहीं यहीं गलती करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आपके स्टेट में एंट्रेंस होता है, अगर आपके स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है डिप्लोमा के बेस पर, तो परसेंटेज अच्छे लाने का तैयारी करना है। आपका परसेंटेज आ रहा है अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है अच्छा तो हमारा एक प्रोग्राम है उसमें जाना, परसेंटेज बढ़ाने का उसमें बहुत सारे स्टेप्स उन्हें बता रखा है, इंग्लिश में कैसे लिखना है आपको बता रखा है, कैसे इंग्लिश का किताब पढ़ना है बता रखा है। तो दैट कोर्स विल हेल्प यू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है विथ सम प्रोमो कोड फॉर डिस्काउंट, वो ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप, मैं पूरा डिटेल बताया था आपको, अगर आप उड़ीसा से हैं तो इसका एडमिशन प्रोसेस, ये डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने डाल दिया है, ये गलत हो गया यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरह ले आता हूँ। तो आप अगर मान लो हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, तो आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसा कुछ खास नहीं, हरियाणा से नहीं होता है, राजस्थान में होता है शायद। मैं क्या करूँगा, आपको एक वीडियो डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें डिटेल है कि कौन से स्टेट में क्या एंट्रेंस होता है। पर महाराष्ट्र में एंट्रेंस नहीं होता है मुझे पता है, यूपी साइड एंट्रेंस होता है, दिल्ली में एंट्रेंस होता है, वेस्ट बंगाल में एंट्रेंस होता है, इनमें एंट्रेंस होता है मुझे पता है, आफ्टर डिप्लोमा बीटेक में एडमिशन के लिए दैट आई नो। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस होता नहीं है, डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिलता है। तो वो कितने स्टेट्स में, लगभग 7-8 स्टेट्स में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा वीडियो है मैं बनाया था डेडिकेट करने के लिए बच्चों को, तो वो मिल जाएगा आपको। तो बीटेक का प्लान करना है,
तो यहाँ पर एंट्रेंस का प्रिपरेशन चालू करिए अब से, बिकॉज फोर्थ ईयर में इतना पढ़ाई नहीं होता है आपका, तो थोड़े थोड़े टाइम दीजिए, डेली 1-2 घंटे टाइम दीजिए। प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, फंडामेंटल जो आपका सिलेबस हो कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जिस एंट्रेंस देंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है, फिर अगर कोई मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अच्छी बात है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रट्टा नहीं मानना है, फंडामेंटल बेसिक लॉजिक बिल्ड करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप्स फॉलो करोगे तो काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अपना जो परसेंटेज है ये थोड़ा बढ़ाना है, जितना बढ़ा सकते हो। आप बोलोगे सर कितना रखें मिनिमम, देखो आप कोशिश करो 75% तक रहने का, बिकॉज आगे बहुत सारे डिप्लोमा बेस के जॉब जो निकलेंगे उसमें मैक्सिमम तक देखा मैंने 70% मार्क्स मांगा है, मैक्सिमम 75%, लेकिन 10 साल पहले चला जाऊँगा 75% कोई भी कंपनी सरकारी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% नहीं रखती थी, अभी 70% हो गया है। सो आफ्टर 10 ईयर्स में भी 75-80% कर दें, दैट इज़ वाई आपको ये चीज़ करना कि 75% आपका टारगेट होना चाहिए, परसेंटेज कैसे भी बन जाए। 2 साल निकल चुका है, 1 साल और है, जितना एफर्ट दोगे जितना अच्छा स्कोर आएगा ज़िंदगी भर अपने रिज्यूम में वो लिखोगे, तो ज़िंदगी भर कोई अगर चीज़ बेनिफिट चाहते हो आप तो 1 साल तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए हमारा कोर्स को आप रेफ़र कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरा चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अभी आप प्रोजेक्ट्स करेंगे या ट्रेनिंग आपका होगा तो भाई खरीद मत लेना प्रोजेक्ट्स, दे नॉट बाय प्रोजेक्ट्स, रेदर बिल्ड इट। आप टीम बना लो, टीम में बिल्ड करिए, कोई छोटा प्रोजेक्ट है अकेला बना सकते हो, सो आप तैयारी करिए, अपना प्रोजेक्ट को बनाइए, तैयारी करिए, और ये आपको हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, आगे बीटेक में हेल्प करेगा। अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं जॉब के लिए, अच्छा यहाँ पर लोग बोलते हैं सर अगर अपने को बीटेक करना ही है तो प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं क्या, यस ऑफ कोर्स बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है बैठना है, जॉब लग गया तो क्या थोड़ा ना पकड़ के ले जाएंगे आप घर से, ऐसा तो नहीं है, बैठना बहुत ज़रूरी है भाई, इससे आपको पता लगेगा आप कितने पानी में, नहीं बैठोगे तो एक एक्सपीरियंस होना था लेकिन हाथ से निकल जाएगा। सो जो इंटरव्यू में बैठने का एक्सपीरियंस है अलग ही होता है, जितने इंटरव्यूज देंगे उतने आपका तैयारी अच्छा होगा, उतने कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उतने आपको पता लगेगा कहाँ मिस्टेक्स हम करते हैं, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वेल इंटरव्यू गिविंग स्किल्स का मैं वीडियो सीरीज लाऊंगा वेरी सून, सो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच, राइट। सो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज देखना है, बीटेक, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, डिप्लोमा वालों को क्या करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए, इंग्लिश वाला काम, कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में बातें करना, सो यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश माय डियर, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, आई नो दिस, दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड दैट कोर्स, कि भैया इंग्लिश में बात करना, एग्जाम में लिखना, कैसे पढ़ाई करना, ये तीनों चीज़ यू विल गेट इन सिंगल कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कोर्स बताया वही, उसमें जाना है, प्रॉपर प्लान करना है। यूजुअली पीपल और स्टूडेंट आस्क मी वन सिंपल क्वेश्चन, सर कितना टाइम लग जाएगा ये तो बताओ इंग्लिश बोलने में, भाई कोई 2 दिन में या फिर 2 महीने में, यू कैनॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश माई डियर, इट टेक्स ईयर्स टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस कैन मेक यू एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन इन योर माइंड, वर्ड्स विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक यू आर स्पीकिंग योर ओन मदर टंग। सो इसलिए 2-3 साल का प्रैक्टिस चाहिए होता है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, सो द सेम थिंग आई हैव डन, देयर सो मेनी स्टूडेंट्स, दोज आर सो मेनी पीपल कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, दे हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग टू स्पीक इंग्लिश माई डियर। Well, 90% of the people in India, those are working in industries, they tried or they try to show that they know how to speak English. But reality is that only 10% people, even they are working in very good companies, can speak very good English. So what is the meaning of very good speaking very good English, my dear? That is like you are speaking your mother tongue, just like I speak Hindi. Hindi is not my mother tongue. I have learned this after 10th class. The same way I have learned English in BTEC. So that is important, right, for you guys to know. So these are just language, not that difficult. You just need to practice after learning basic concept, and by following tips and tricks,
that who already done this, as I have already done this, so you can follow my tips and tricks. So with those tips and tricks will help you to speak very good English, right? To understand the whole concept of it. So ये चीज़ आपको पता लग गया. तो ये था भाई फाइनल ईयर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मैंने आपको बताया, मौज मारो और खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, एन्जॉय करो लाइफ में. थैंक यू. भगवान आपके मंगल करे. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.